तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अभिनेत्री ने शरद पवार के खिलाफ किया विवादित पोस्ट और अभिनेत्री के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हो गया है। तो अभिनेत्री केल की चितले का शरद पवार को लेकर विवादित पोस्ट फेसबुक पर किया गया था, जिसको शेयर करने को लेकर अब अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। ठाणे के कलवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। शरद पवार ने सतारा में हिंदू देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी की थी, जिससे नाराज थी अभिनेत्री, और अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फेसबुक पोस्ट शेयर की। वो पोस्ट भी हम आपको बताएंगे जो अभिनेत्री के द्वारा की गई थी, तो वो पोस्ट भी हमारे दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे जो अभिनेत्री द्वारा की गई थी। लेकिन अभिनेत्री को शरद पवार के खिलाफ विवादित फेसबुक पोस्ट शेयर करना भारी पड़ गया। अब अभिनेत्री केतकी चिल्तरे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हो गया है। ठाणे के कलवा पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज हुआ है। तो अभिनेत्री केतकी चितले को विवादित पोस्ट शेयर करना महंगा पड़ा और उनके खिलाफ ठाणे के कलवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हो गया है। वो भी केतकी चितले शरद पवार के एक टिप्पणी से नाराज थी, जो उन्होंने सतारा में हिंदू देवी देवताओं को लेकर की थी। उन्होंने एक कविता के आधार पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था हम तुम्हारे भगवानों की बाप है, और जिसको लेकर ये अभिनेत्री काफी नाराज थी और उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अब इस अभिनेत्री के खिलाफ ठाणे के कलवा पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करों को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।